दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। दोस्तों, आज की जो जॉब्स की अपडेट रहने वाली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से। दोस्तों, तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पे क्या है कि नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए जो दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का एक ये आयोजन करते हैं, जिसको हम नॉरसेट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए, या साथ में आपके नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, आपका डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी से होना चाहिए, और आप नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होने चाहिए। तो कुछ इस तरह का इन्होंने बताया गया है। एज लिमिट की बात करें 18 से 30 वर्ष इन्होंने बताई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर जो रूल है वो आपको मिलेगी SC ST वालों के लिए और OBC वालों के लिए। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये फीस रखी गई है, और SC ST कैंडिडेट के लिए और EWS के लिए यहाँ पे 2,400 रुपये फीस रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों, ये जो फीस वगैरह है आपकी ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट होगी। यहाँ पे हम बात करें इसके एग्जामिनेशन की, तो उसका जो एग्जामिनेशन है आपका CBT होगा, जो कि 3 जून 2023 को उसका एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारे पास एम्स हैं, टोटल 18 एम्स हैं, उनमें कितनी कितनी वैकेंसी कौन सी एम्स के लिए यहाँ मिली आई गई है। दोस्तों, यहाँ पे टोटल हम बात करें एम्स बठिंडा के लिए तो यहाँ पे 142 पद रहेंगे, एम्स भोपाल के लिए 51 पद रहेंगे, एम्स भुवनेश्वर के लिए हमारे पास 169 पद रहेंगे, एम्स बाबा नगर के लिए हमारे पास दोस्तों 150 पद हैं, और एम्स बिलासपुर के लिए 178 पद हैं, एम्स देवघर के लिए दोस्तों हमारे पास जो पद रहेंगे 100 पद रहेंगे, एम्स गोरखपुर की बात करें तो हम यहाँ पे 121 पद रहेंगे, एम्स जोधपुर के लिए दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे 300 पद रहने वाले हैं, एम्स कल्याणी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे 24 पद हैं, एम्स मंगलागिरी के लिए दोस्तों यहाँ पे 117 पद हैं, एम्स नागपुर के लिए 87 पद रहेंगे, एम्स रायबरेली की हम बात करें तो यहाँ पे 77 पद रहेंगे, एम्स न्यू दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पे 620 पद रहेंगे, और एम्स पटना की हम यहाँ बात करें तो 200 पद रहेंगे, एम्स रायपुर की बात करें तो हमारे पास 150 पद रहेंगे, एम्स राजकोट की हम यहाँ बात करें तो हमारे पास 100 पद रहेंगे, एम्स ऋषिकेश की बात करें तो 290 पद रहेंगे, और एम्स विजय विहार जम्मू की बात करें तो 180 पद रहेंगे। टोटल दोस्तों 3,055 पदों के ऊपर ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। बात करें हम कैटेगरी वाइज तो SC कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1,304 पद रहेंगे, OBC के लिए यहाँ पे 808 पद रहेंगे, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 447 पद रहेंगे, और ST के लिए 198 पद रहेंगे, और EWS के लिए यहाँ पे 298 पद रहेंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा पद जो भरे जाएंगे वो आपके एम्स न्यू दिल्ली में भरे जाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस फॉर्म को जो फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12/4/2023 से शुरू हो चुका है लिंक इसका, और लास्ट डेट रहेगी 5/5/2023 5 बजे तक, यानी 5 मई तक दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और अगर करेक्शन वगैरह करनी है तो 6 मई से लेकर 8 मई तक अपनी करेक्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के नए नए जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए बन रहे हैं हिमाचल फॉरएवर के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।